अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा, अरे उसे अचानक हार्ट अटैक आया और बेचारा इतनी कम उम्र में चल बसा। या फिर ये सुना होगा, अरे वो तो काफी स्वस्थ था, उसे कैसे अचानक हार्ट अटैक आ गया। इन दोनों बातों में तीन शब्द एक जैसे हैं, अचानक हार्ट अटैक। दरअसल अचानक कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में कोई भी दिक्कत है तो आपकी बॉडी आपको उसके संकेत जरूर देती है। जैसे कि जब आपको खांसी जुखाम या फिर बुखार होता है तो आपको साफ तौर पर संकेत मिल जाते हैं, जिसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं और फिर आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही हार्ट अटैक आने से काफी समय पहले ही आपको आपकी बॉडी कुछ संकेत देती है, जिन्हें अगर आप समझ गए तो आप इससे बच जाएंगे, और अगर नहीं समझे तो वो आगे चलकर हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक के रूप में आपके सामने आएगा। कोरोना काल के दौरान भी ये देखा गया कि इतने लोग कोरोना के कारण नहीं मरे जितने कि हार्ट अटैक से मरे। आजकल ये देखा गया है कि हार्ट अटैक ज्यादातर कम उम्र के लोग जो कि 35 से 45 उम्र के होते हैं उन्हें आता है। जब उन लोगों पर रिसर्च हुई जिनकी मौत हार्ट अटैक से हुई तो पता चला कि ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक तब आया जब वो अपने करियर के पीक पॉइंट पर थे। इस समय पर दिमाग में और आगे बढ़ते चले जाने का जज्बा होता है, जिससे हम और ज्यादा प्रेशर लेने लगते हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। अब हमारा दिल कैसे काम करता है इसे जान लेते हैं। हमारा दिल 24 घंटे में 1,03,680 बार धड़कता है, यानी कि हमारा दिल हमारी बॉडी के हर एक हिस्से की फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अब हार्ट अटैक आने से पहले आपका शरीर आपको किस तरह के संकेत देता है ये आपको बताते हैं। अगर आपकी पूरी बॉडी के कंपैरिजन में आपके हाथ पैर ज्यादा ठंडे रहते हैं तो ये लक्षण है जो बताते हैं कि आपका दिल कमजोर है। अब आपके हाथ पैर क्यों ठंडे होते हैं ये आपको समझाते हैं। जब आपके दिल की खून को पंप करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है तो आपका दिल उन अंगों में खून सप्लाई करने में ज्यादा ध्यान देता है जो जरूरी अंग होते हैं, जैसे कि दिमाग, फेफड़े, लीवर को खून सप्लाई करने में। और क्योंकि हमारे दिल से हमारे हाथ पैर दूर होते हैं तो इस कारण कमजोर दिल वहां तक खून सप्लाई नहीं कर पाता, जिसके कारण हाथ पैर ठंडे रहते हैं। तो अगर आपको भी ये लक्षण हो तो सावधान हो जाइए। इसके बाद सांस ठीक से ना ले पाना और छोटी छोटी सांसें लेना भी संकेत है भविष्य में हार्ट अटैक आने का। ऐसा तब होता है जब आपके हार्ट तक ठीक मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, या फिर जब आपका हार्ट आपके लंग्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचा पाता। इस दौरान आपको कम मेहनत वाले काम में भी सांस फूलने लगती है। इसके बाद आपको अगर गर्दन के साथ कंधों में भी दर्द रहता है तो भी आपको सावधान होने की जरूरत है। हार्ट प्रॉब्लम के कारण गर्दन और कंधों में दर्द तब होता है जब आप चलने फिरने का कुछ काम कर रहे हो, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, और जैसे ही आप बैठ जाते हैं या फिर आराम कर रहे होते हैं तो ये दर्द बंद हो जाता है। तो अगर आपको भी दौड़ते या फिर चलते वक्त दर्द रहता है तो इसका मतलब है कि आपको भी दिल से जुड़ी समस्या है। इसके साथ ही अगर आपको कुछ काम करे बिना ही जरूरत से ज्यादा पसीना आता है और अगर ये पसीना ठंडा है तो भी ये आपकी कमजोर दिल की ओर इशारा है और ये आपको संकेत दे रहा है कि भविष्य में आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके साथ ही बिना कारण बहुत ज्यादा थकान लगना, जी मचलाना और उल्टी जैसा होना भी हार्ट अटैक से पहले दिखने वाले लक्षण हो सकते हैं। ये लक्षण आमतौर पर महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलते हैं। हार्ट अटैक आने के कुछ समय पहले आपको कमजोरी जैसा महसूस होता है। इसके साथ ही अमूमन चक्कर आना, जबड़े, गर्दन और पीठ में एक साथ दर्द या फिर बेचैनी महसूस होना भी हार्ट अटैक आने से पहले के लक्षण हैं। वहीं हार्ट अटैक से पहले सबसे आम लक्षण तो हम सभी को मालूम है, सीने में दर्द और बेचैनी महसूस होना। इस दौरान छाती के बीच में या फिर उल्टे हाथ की तरफ भारीपन महसूस होता है और साथ ही तेज दर्द भी होता है। ये तो हमने बात की कि हमारी बॉडी हार्ट अटैक आने से पहले हमें क्या संकेत देती है। अब जान लेते हैं कि हार्ट से जुड़ी समस्याएं आखिरकार क्यों होती हैं और कब होती हैं। दरअसल आज की तारीख में हमारा खान पान ही कुछ ऐसा है और साथ ही हमारे आसपास इतना कंपटीशन है कि उस रेस में हम बस दौड़ते ही चले जाते हैं और अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि छोड़ देते हैं, जिसके कारण हमें हार्ट से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कारणों पर। पहला कारण है जब हार्ट के किसी एक हिस्से में ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है या पर्याप्त मात्रा में इस पार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है। इसके बाद जब काफी समय से ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है तो हार्ट मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक की स्थिति पैदा होती है। हार्ट आर्टरीज का अचानक सिकुड़ जाना भी हार्ट अटैक की वजह बन सकती है, क्योंकि जब ये आर्टरीज सिकुड़ जाती है तो हार्ट मसल्स में ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। अब इससे बचने के लिए आप क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं ये आपको बताते हैं। हार्ट से जुड़ी समस्याओं से निजात पाने के लिए आप अर्जुन के पेड़ की छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अर्जुन के पेड़ की छाल से आप हार्ट से जुड़ी समस्या के साथ साथ कई बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। अर्जुन के पेड़ में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि एलाजिक एसिड, ट्राईहाइड्रोक्सी ट्राइटरपेन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने में काफी मदद करता है, हार्ट फेलियर होने की संभावना को कम करता है, ब्लॉक्ड आर्टरीज को खोलने में भी मदद करता है। अब इसका सेवन कैसे करें ये आपको बताते हैं। आप अर्जुन की छाल की चाय पी सकते हैं। ये चाय आपके शरीर के खून को पतला करने में मदद करती है और साथ ही इससे ब्लड वेसल्स आर्टरीज में ब्लॉकेज की समस्या भी नहीं होती है। यह चाय ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखती है, हार्ट फेलियर से बचाए रख सकती है। इसके साथ ही आप अर्जुन की छाल का पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं और एक चम्मच बिना मलाई वाले एक कप दूध के साथ मिलाकर सुबह शाम पी सकते हैं। ऐसा करने से हार्ट से जुड़े सभी रोगों से निजात मिलती है, हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है और दिल की बढ़ी हुई धड़कनें भी सामान्य रहती हैं। अगला उपाय है मुनक्का से, जो जितना खाने में स्वादिष्ट होता है उतना ही आपके शरीर के लिए भी लाभकारी होता है। इसमें भरपूर मात्रा में आयरन और विटामिन बी होता है, जिसके सेवन से हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और चेस्ट पेन से काफी हद तक राहत मिलती है। साथ ही ये शारीरिक कमजोरी और एनेमिया की समस्या को भी दूर करता है। इसमें मौजूद आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपको रोजाना मुनक्के के पानी का सेवन करना चाहिए। आपको रोज रात को 5 मुनक्के पानी में भिगोकर रखने हैं और सुबह इन मुनक्कों को चबाकर खा लेना है। वहीं मुनक्के के बचे हुए पानी को लहसुन की 2 कलियों के साथ अगर खाएंगे तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जो आपको हार्ट अटैक की बीमारी से बचाने में इफेक्टिव होती है। इसके पानी के साथ लहसुन की 2 कलियां चबाने से ब्लड प्रेशर भी सामान्य रहता है। इसके साथ ही हार्ट को हेल्दी रखने के लिए स्प्राउट्स काफी अच्छे होते हैं। ये प्रोटीन और कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं, जो कि शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। इसके साथ ही स्प्राउट दिल के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। दरअसल स्प्राउट में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है और आपकी रक्त वाहिकाओं और धमनियों में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर पड़ने वाले अत्यधिक तनाव को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इनमें पाए जाने वाला पोटेशियम ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद करता है। तो ये थे कुछ उपाय जो आपके दिल को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखने में मदद करते हैं। तो इन उपायों को जरूर अपनाइए ताकि आप भी अपने दिल को हेल्दी रख सकें।